क्या करूं, मैं कुणाल काम ना स्टेट बोर्ड स्कूल। फिर मैंने देखा हमारे में कॉमन लिंक क्या है, ये जो सब बेवकूफ चूतिए लोग हैं एक एक करके, इनमें कॉमन लिंक क्या है, और वो है स्टेट बोर्ड स्कूल। स्टेट बोर्ड स्कूल का एक ही काम है, बंदे को स्टेट में रखना। किस स्टेट में रखना, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उनका पूरा बिजनेस मॉडल यही है, ये स्कूल से जाओगे स्टेट में रहो भाई। कौन आएगा, ये तुम्हारे बच्चे ही आएंगे ये स्कूल में वापस। पिन कोड भी मत छोड़ो। स्टेट बोर्ड स्कूल वो मतलब क्या मतलब बढ़िया व्यवस्था है मीडियोक्रिटी को मीडियोकर रखने में। सब पूरा सिस्टम को सिस्टम रखना काम है गवर्नमेंट स्कूल। क्रिएटिविटी है ही नहीं कहाँ, क्रिएटिविटी ढूंढनी है खिड़की के बाहर जाओ। लाइक दिस इज हाउ आई यूज्ड टू स्टार्ट माय डे इन स्कूल, जस्ट लुक आउट द विंडो एंड कॉल आउट टू समवन रैंडमली, जस्ट लुक आउट एंड बी लाइक अंकल 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 देखना अंकल। फाइनली आई गेट हिज अटेंशन, आई एम लाइक आंटी ऐसी है। वो बुड्ढा सोच रहा है मेरे बीवी को कैसा पहचानता है। आजकल के स्कूल में क्या मतलब बच्चों को मतलब पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग, हमारे स्कूल में टीचर आके बोलते ऐसा फील करो फील करो, ये फीलिंग क्यों नहीं आ रहा। रोने में हम रोते थे फिर मार पड़ती थी, ये रो क्यों रहा है। हाँ, मतलब आज के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो जाती है, मेरे दोस्त के बच्चे जहाँ जाते हैं मतलब सीरियस हो जाता है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो गई, दिस इज द थर्ड टाइम इन द ईयर आरव्स क्रेयॉन्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम हिज बैग, आई डोंट थिंक दीस इवेंट्स आर कोइंसिडेंटल, समथिंग दिस गोइंग ऑन, इज एन अटैक ऑन आरव्स क्रिएटिव इंस्टिंक्ट एंड दिस हैज बीन डन विद अ मोटिव एंड स्टीलिंग kids creative ideas and I as Arav's mother will not let his life be colorless. आंसू भर रहे हैं, टिश्यू पास हुए, पानी पी रहे लोग, दो दो आंटियां खड़े होकर तालियां बजा रही है कि क्या स्पीच थी। हमारे स्कूल में टीचर का सामान चोरी हो जाता था, मेरे टीचर के बाइक से पेट्रोल चोरी हो रहा था। 3 साल तक उसको लगा स्प्लेंडर 9 का एवरेज देती है। दो बार वो कंज्यूमर कोर्ट होके आया, फिर उसको पता चला बच्चे निकाल निकाल के सूंघ रहे ले। ये ले 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 भाई सूंघ ले, देश हित में महंगा होने वाला है। भाई साहब, और स्कूल के आपके तो स्कूल से बाहर निकलते ही नहीं है, वो जब भी आप उनको मिलते हो वापस 15 के हो जाते हैं। लाइक दैट इज दैट इज दैट लाइक दैट इज नॉट क्योर, नहीं हो सकता उसका कुछ नहीं है। लाइक अभी के स्कूल में बोलते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, रैंक वैंक जो भी हो बेटा, किसी को लास्ट आना है तू ही हो, चिंता मत। हमारे स्कूल में फर्स्ट आने वाले की फटी हुई है भाई, कि क्या होगा बाकी होगा रिएक्शन क्या। भाई एक दोस्त था मेरा दीपक, वो 4 साल फर्स्ट आया, रोज 4 बच्चे जा रहे रिसेस में उसके पास, वो चिल्ला रहे दीपक दीपक लंड पे चिपक चिपक, हिंदी में टिटू हिंदी में टिटू। क्रिएटिविटी करिकुलम में नहीं है, बच्चे कहीं तो ढूंढेंगे ना, जाना पड़ेगा उनको बाहर। टीचर से सवाल नहीं पूछ सकते, आजकल बच्चे पूछते हैं टीचर से सवाल, यार इनकरेज किया जाता है। हमारे टाइम पे पूछो टीचर से, मैडम ये क्वेश्चन, आर यू सेटिंग क्वेश्चन पेपर और राइटिंग आंसर पेपर। क्वेश्चन था ये, शेक्सपियर बंदा ये बोल रहा है व्हाट्स इन अ नेम, ये कभी इंडिया आया था क्या? मैं क्या उसका ट्रैवल एजेंट है? इंडिया आया था? अरे मैडम इंडिया आता तो ऐसा नहीं बोलता ना व्हाट्स इन नेम, यहाँ पे फिर समझ जाता 2-3 दिन में, नेम का ही गेम है सर। एक सेकंड, शेक्सपियर ने क्या बोला व्हाट्स इन अ नेम?
ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, दो मार्क के लिए याद रख। व्हाट डिड शेक्सपियर से? डिड ही से व्हाट्स इन द नेम? मैंने लिखा ट्रू बट वेरी फॉल्स। वेरी फॉल्स। टीचर ने माइनस टू लिखा, उधर लिखा एक्टिंग स्मार्ट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूलिंग। वी डोंट वांट टू मेक किड्स स्मार्ट। स्मार्ट हो गए तो कुछ भी कर सकते भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मस्त है स्टेट बोर्ड। मतलब हमारे स्कूल के बच्चे वो इंग्लिश फिल्म की पोस्टर देख के क्रिएट हो जाते थे। वो स्पाइडरमैन का पोस्टर आया, मेरा दोस्त अब्बास पूरे स्कूल पे शैम्पू पी गया। एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट डज शैम्पू लुक लाइक? वी ऑल नो अब्बास इज गोइंग अराउंड स्कूल, इज लाइक ब्रो ब्रो स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, लाइक आई एम वॉकिंग एंड इज लाइक ब्रो 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 स्पाइडरमैन। I rush to the loo, start washing my face, and now I see foam starts. I'm just like, यार मेरे वाले में झाग क्यों नहीं निकलता यार? I went to a doctor. Doctor was like, मेरे वाले में झाग नहीं निकलता यार. सही में बेटा झाग निकल रहा था. अच्छी smell नहीं आ रही थी. पता नहीं क्या technology है मुसलमान बच्चों के पास. What a doctor with scientific temperament. मुझे फनी लगता है, मतलब कुणाल कामरा मुझे फनी लगता है, मुझे उसकी डिलीवरी अच्छी लगती है, उसके पॉइंट्स अच्छे लगते हैं। I find humor in his content. अगर आप unbiased होके देखोगे, छोड़ो जो भी बातें कर रहा है वो आपके मुल्क के खिलाफ, मेरे मुल्क के खिलाफ, आप उसका content देखो, आपको मज़ा आएगा, आपको relatability लगेगी उसमें, आपको एक understanding मिलेगी। लड़का funny है, लड़का genius है, लड़का is God। और आपसे मिलते हैं next stand-up comedy के reaction पे। आप मुझे बताओ ना, तुम कौन सा स्टैंड अप देखते हो अगर ये नहीं देखते? क्योंकि तुमको पता है लास्ट वीडियो से मैंने 20 कमेंट डिलीट किए हैं। एवरीबडी, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग इन इंडिया हेट्स कुणाल कामरा। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट ही हैज डन, सिवाय उसको अर्नब गोस्वामी को, अर्नब गोस्वामी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं एक नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है वो नहीं है, जैसे कि आप, तो उसको बस हैकल किया उसने और तो कुछ नहीं किया है ना। अर्नब गोस्वामी है क्या? अर्नब ही है। एनीवेज, डोंट हेट हिम, और अगर हेट करते भी अपने तक रखो, मुझे मत बताओ किसकी स्टैंड अप कॉमेडी आप देखते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स, हम उसको रिएक्ट करेंगे। और सब्सक्राइब दिस मंथ, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम डेविड मेमुना, और बाय, गुड नाइट, लव यू।